हेलो एंड वेलकम टू गेट एडमिशन। मैं सेल्फ हिमांशु और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आए के एस हिजड़े मेडिकल कॉलेज का रिव्यू, क्या क्या यहां की प्रोसेस रहने वाली है, क्या यहां का फीस स्ट्रक्चर है, एडमिशन प्रोसेस है, ढेर सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कर्नाटका का ये एक डीम्ड कॉलेज है तो ये आपको मैं पहले ही बता देता हूं। तो वीडियो शुरू करते हैं फटाफट से और आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर पाए इसलिए वीडियो को पूरी देखना। सबसे पहले तो आपको बता दूं ये कॉलेज कर्नाटका मैंगलोरू में लोकेटेड है। 1999 में ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था तो देखा जाए तो काफी साल पुराना ये कॉलेज हो चुका है। मेडिकल हिस्ट्री में इसका काफी अच्छे से नाम है एंड वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ये कर्नाटका के अंदर माना जाता है। कर्नाटका स्टेट रैंकिंग इस कॉलेज की 26 है, ऑल इंडिया रैंकिंग में ये कॉलेज 7th नंबर पे आता है। तो ये मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा कॉलेज लगता है, वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज। एंड अगर मैं बात करूँ इसकी ऐसा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जैसे कॉलेज की लोकेशन के बारे में, तो यार देखो सुविधाएं आपको सारी मिलने वाली हैं। आप इजीली इस कॉलेज तक पहुंच सकते हैं बस के थ्रू, ट्रेन के थ्रू, जहां से भी आप आना चाहते हैं। ठीक है, इतनी कुछ परेशानी वाली बात आप नहीं होने वाली। आप एक बार मैप में डाल लीजिएगा, आपको ईजिली मतलब बाय रोड आप पहुँच सकते हैं अच्छे से। एंड अगर मैं बात करूं इस कॉलेज के हॉस्पिटल के बारे में, तो इस कॉलेज के हॉस्पिटल के अंदर आपको सुविधाएं देखने को मिलेगी। 24 आवर्स हेल्पलाइन, ब्लड बैंक देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे ओपीडी इंडोर सर्विसेज देखने को मिलेंगी, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, आईसीयू एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की सुविधाएं भी यहाँ पे अवेलेबल है इस हॉस्पिटल में। और साथ ही साथ इमरजेंसी का डिपार्टमेंट है वो काफी अच्छा है, यानी बड़ा भी है इस कॉलेज का। तो ये इसका कुछ प्लस पॉइंट है, आप मतलब अच्छे से अप्रोच भी कर सकते हैं इस कॉलेज को। एंड अगर आप इसको अप्रोच कर लेते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, तो आपके लिए प्लस पॉइंट ये होने वाला है कि आपको सीखने को काफी अच्छा मिलने वाला है। एक तो इस कॉलेज की हिस्ट्री काफी अच्छी है, यानी पुराना है, तो एक्सपीरियंस भी ज्यादा है वहां पे सारे स्टाफ को एंड इवन फैकल्टी को भी। और आपको पेशेंट फ्लो अच्छा देखने को मिलेगा तो यार आपको सीखने को भी अच्छा मिलेगा। एंड NIEE डीम टू बी यूनिवर्सिटी से ये कॉलेज एफिलिएटेड है, ये कॉलेज अप्रूव्ड है NMC के द्वारा प्रॉपरली। तो काफी अच्छा कॉलेज है यार, आप इसकी काउंसलिंग में जरूर पार्ट लें, ये बहुत ही बेहतरीन कॉलेज में से एक कॉलेज माना जाता है। अब हम इस कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर लास्ट ईयर था, यानी 2021 में जो इसकी फीस स्ट्रक्चर थी, ट्यूशन फीस थी वो थी 16,80,000 पर ईयर। लेकिन इस साल वो बढ़ के हो गई है 16,86,000, यानी इस कॉलेज में आपको 6,000 का ही इंक्रीमेंट देखने को मिला है एक साल के अंदर। मेरे को तो ये भी ठीक लगा कि 6,000 का ही इंक्रीमेंट है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में 5,00,000-6,00,000 इतने का इंक्रीमेंट हर साल आपको देखने को मिलता है, बट इसका मेरे को ठीक ठीक लगा। बहुत कॉलेजेस हैं जिनमें इंक्रीमेंट है ही नहीं, बट इसका 6 भी है तो ठीक है, क्वाइट अच्छा ही कॉलेज है, बहुत बेहतरीन कॉलेज है। एंड इस कॉलेज की टोटल सीट के बारे में आप लोगों को बताऊं तो टोटल 156 इस कॉलेज में अवेलेबल है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आप अगर 150 स्टूडेंट्स में से एक बनते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बात होने वाली है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जिस चीज़ के लिए हम ये वीडियो देखते हैं, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमारे नीट में मार्क्स जितने आए उसी हिसाब से तो हमें कॉलेज मिलने वाला है। तो इस कॉलेज की जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी, यानी राउंड वन की, वो थी 472 एंड इस साल की जो इसकी कट ऑफ रहने वाली है वो है 432। तो क्वाइट थोड़ी सी कम हुई है पिछले साल के मुकाबले एंड ये लीस्ट ही है एंड इससे ऊपर ही राउंड टू एंड मोपअप में आपकी कट ऑफ जाने वाली है। लेकिन अगर आप गेट एडमिशन को अप्रोच करते हैं तो गेट एडमिशन आपकी हेल्प करेगा आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन कराने में। तो यार आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, डायरेक्ट व्हाट्सएप करके भी अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। एंड इवन आपका जो नीट में थोड़ा बहुत कम मार्क्स भी है तो भी गेट एडमिशन आपका एडमिशन कराने में पूरी हेल्प करेगा। तो आप एक बार कॉल करके अपने सवाल जवाब एंड एडमिशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ले जरूर लें। अब हम बात करते हैं इस कॉलेज की कुछ फैसिलिटीज के बारे में। तो देखो हॉस्पिटल की तो इसकी फैसिलिटीज मतलब बहुत ही अच्छी हैं, मैंने आपको बताया अभी वीडियो के स्टार्टिंग में। एंड अगर मैं इसकी वैसे कैंपस की बात करूँ तो कैंपस इसका काफी अच्छा है, नीट एंड क्लीन एंड एक बड़ा सा कैंपस है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज देखने को मिलती है, कैफेटेरिया मिलता है, जिम मिलती है, लाइब्रेरी मिलती है, ऑडिटोरियम्स हैं और कम्युनिटी हॉल्स हैं। तो हॉस्पिटल में पढ़ाई तो अच्छी है ही, उसके साथ साथ आपको एक वाइब भी अच्छी मिल रही है। अब यार हर वीडियो में क्या बताना, बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं हर एक कॉलेज के अंदर। तो आपका मेन जो मकसद होता है वो होता है फीस कट ऑफ एंड जो आपका मतलब जगह वगैरह, इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉलेज कैसा है, तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। फैसिलिटीज़ तो यार देखो हर जगह मिलने वाली है आपको। बाकी तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर जो आपका मन करता है कर लेना, लेकिन आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना हमारे चैनल को।